हम सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं, मारा कोई जीना नहीं है दुनिया में, मारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। देखो के बीता परिवार को प्रो परिवार जाना है, और आज तक भी पुलिस भी घर पर नहीं आई है कि कार्रवाई करांगे, न्याय देवांगे। इसकी बर्बाद, मारी बर्बाद, हम अपने सामने अपने भाई ने कैसे देखा जी, दिन रात हम तिल तिल मर रहे। अगर ये गया था उस दिन, ये वारदात हुई उस दिन भी उस गुड़िया ये बोल रही मेरे पापा मेरे लिए केक लेने के लिए गया, उसको क्या पता था ये सब होगा। ढाई साल की छोटी सी गुड़िया है, और ढाई साल की गुड़िया के पापा है ये, देखो इस तरह से हाथ काट कर लेके गए हैं, और अभी तक प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना ये। इस तरह से तड़फ रहे हैं लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा और प्रशासन। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल करनाल जिले के राड़ा गांव में है, और जुगनू की आपने खबर देखी होगी जो काफ़ी वायरल हो रही है कि जुगनू के जो रंजिश के साथ दोनों हाथ काट दी हैं, पूरा परिवार दुखी है इस टाइम, और घर पर बहुत से लोग भी आ रहे हैं मिलने के लिए, पूरा परिवार दुखी है। तो उसके परिवार तक मिलेंगे, उनके घरवाली है और एक छोटी सी बच्ची है ढाई साल की, तो उनके ऊपर क्या बीतरी होगी। देखो एक छोटी सी बच्ची है, उसने पता भी नहीं अभी तक दुनिया भी नहीं ठीक था देखी, लेकिन उसका पापा ये दोनों हाथ है जो काट दिए, अब वो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। तो एक छोटी सी बच्ची भी है, देखो ये बच्ची है उसकी और ये उसकी पत्नी है, इन तक बात करेंगे पूरा के कुछ मामला था। राम राम। क्या नाम जी आपका? प्रियंका जी। जुगनू जी यहाँ के जो हाथ काटते हैं ना, तो उनकी के कुछ पहले साजिश थी या फिर पहली घटना घटी है? पहली घटी है तो। अच्छा। हाँ जी, इनकी कोई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, छोटी मोटी लड़ाई थी वो तो, नो थोड़ा ही कह दिया खाती काट के गिर दो, जिस तरह दो समान ही हो इस तरह ही कर लेते, जिस तरह कह भाई गोली चलाई तो गोली चला देता, हाथ काटने का क्या मतलब था उसका। असली मुजरिम पकड़ा जा रहा, हमें पता भी नकली कौन है क्या है, असली मुजरिम तो वही है। कौन है? संजू राणा, मुआने का, मुआने का। ना उस पे कुछ कार्रवाई हो रही है अभी, ना पुलिस कर रही कुछ, ना कोई कुछ कर रहा। आपने किस तरह पता चला जब कि इस तरह घटना घट गई है? हमारे पे तो फोन आया, किसी और पे आया पड़ोस में फोन। अच्छा। उसने बताया हमें भाई ऐसा ऐसा हो गया बस। देखो परिवार पर के बीतता जब एकदम इस तरह की खबर आवा है, तो पुलिस प्रशासन के कुछ कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही अभी कार्रवाई, अभी कुछ नहीं हो रहा। हमारे तो पागल हो गए हम तो, कह 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 अब तक सरकार तक कुछ नहीं पुकार गई हमारी, हम पागल हो गए बिल्कुल। उस दिन तक 8 दिन हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ, ना फोन का पता लगा इनके, ना हाथ का लगा भाई क्या किया उन्होंने। हाथ भी नहीं, हाथ भी साथ में ले गए, साथ में ले गए हाथ भी काट के भी, और ना गाड़ी की चाबी थी उसका भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। गाड़ी तो छोड़ गए, वे चाबी ले गए। अच्छा। वैसे हमें पता भी नहीं गाड़ी कहाँ आया, मैं नहीं पता कुछ भी। पुलिस पर उम्मीद है जी आपने कुछ न्याय मिला? कोई उम्मीद नहीं है जी पुलिस प्रशासन पर, हमने नहीं है जी उम्मीद, नहीं है जी उम्मीद। होती तो 8 दिन हो गए, जब तक जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही फिर उम्मीद कहाँ तो होगी जी। हम तो जमीन लुटे बैठे जी, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा, उम्मीद किस चीज की करा जी। 8 दिन हो गए, आज तक कोई दोषी नहीं पकड़ा गया जो मेन है जी। बागला जिस बंदे के साथ वारदात हुई है वो चिल्ला चिल्ला का बोल रहा है अभी, मेरे अब नाम लेने लग रहा है, उस बंदे ने मेरे साथ वारदात करी, वो आज तक बाहर फिर रहा जी। तो हम किस तरह पुलिस प्रशासन तो उम्मीद रखा है कि अब उम्मीद हो रही है जी। देखो जी न्याय तो पुलिस प्रशासन ही दे, अगर अपने साथ कोई गलत कर रहा है तो पुलिस के पास ही जाओ उम्मीद लेकर, ना कि पुलिस वाले जो हमें न्याय देंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करो जी, 8 दिन हो गए जी, क्या अब तक कार्रवाई नहीं हुई? उस दिन कुरुक्षेत्र में जिस दिन मेरे भाई के साथ याद से आया था, उसी दिन डॉक्टरनी के साथ याद से आया था जी, या आपने न्यूज़ में भी देखा होगा जी, उसके कातिल कितनी जल्दी पकड़े गए थे जी। तुम्हारे कातिल आज तक बाहर कैसे घूम रहे हैं जी, वे आजाद घूम रहे हैं जी। इसका खतरा सिर्फ हमने नहीं, पूरी दुनिया ने है जी इसका खतरा, आज हमारे साथ हो कल ना किसी और के साथ भी होगी जी। ये देखो उनको अगर कार्रवाई नहीं होगी, अगर उनको डर नहीं होगा पुलिस का, तो और भी घटना करेंगे, वो तो खुले घूमेंगे, फिर उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए ताकि डर बनाए कोई गलत काम करने से, पुलिस या सजा दे इसका या कार्रवाई कर। मेरी प्रशासन तक यही अपील है जी, ऐसी सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। इस तरह की घटना करने से पहले डरे? हाँ, 100 बार सोचे अगले के मन में ये डर हो जी, हमने ये कहता हमारे साथ क्या होगा जी। तो आप जी पुलिस प्रशासन के पास परिवार की तरफ से गए थे? गए थे जी प्रशासन। क्या कहा जी पुलिस प्रशासन ने? उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि सोमवार तक आपके अपराधी पकड़े जाएंगे जी। आज सोमवार हो गया? आज सोमवार हो गया जी। अभी तक जो मेन अपराधी है वो अभी तक बाहर फरार है जी,
मेरी तो यही अपील है सबसे जी, जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए जी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। मैं आरोपी संजू राणा का नाम ले रहे, तो उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ी? यही बात तो सभी हम यही बात कह रहे हैं जी बार बार जी, मेन आरोपी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जी? इस तरह से तो गोली मार देंगे मारे का जी, हमने कोई दुख नहीं था, जो जियो करे नहीं, तुम्हारी जिंदगी भर का दुख है। देखो हर रोज मर आदमी नु देख का तो इतना दुख हो, इसकी छोटी बच्ची है जी, इसने दुनिया में ये भी नहीं पता भी आज इसके साथ क्या हो रहा, इसका पूरा भविष्य कहाँ गया, पूरी जिंदगी बर्बाद, पूरी जिंदगी इसकी बर्बाद, मारी बर्बाद, हम अपने सामने अपने भाई ने कैसे देखा जी, दिन रात हम तिल तिल मर रहे, अगर कोई गलती करता तो उसने सुधरने का एक मौका तो सब दे, अगर मेरा भाई सुधरना चाह रहा था तो दुनिया ने उसने सुधरने नहीं दिया जी, ये बहुत गलत किया, ये तो अपराधी ने और उकसाने वाली बात है, आज यो कर रहा कल ना कुछ और करेगा, ये तो उन्हें सजा मिल रही, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कुछ ना होगा। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था पर उसे जीन नहीं दिया गया। देखो भाई एक बहन का दर्द है, और भाई इस तरह देखा भी कुंजावा, कोई भी बहन हो भाई भी इतना टूट जाए हैं, और उनकी पत्नी है, मतलब ये भी इतना टूट रहे हैं, इनके अंदर कुछ नहीं रह रहा, बस देखने के लिए है और उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं, हमारा कोई जीना नहीं है दुनिया में, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। देखो के बीतता परिवार का ऊपर, परिवार जाना है, और आज तक भी पुलिस भी घर पर नहीं आई है कि कार्रवाई करांगे न्याय देवांगे, और एक ढाई साल की बच्ची, उसने तो कुछ पता भी नहीं, उसने जिंदगी नहीं देखी अब तक, अगर उसने ये चीज़ देखा तो के उस पर बीतेगी कि पापा की नहीं, क्योंकि बच्चे ने रवा है अगर पापा बाहर जाओ कि पापा मेरे लिए ये चीज़ लेके आऊगा ये चीज़ लेके आऊगा, तो उसका पापा उसके लिए के लेके आऊगा जब उसके पास हाथ ही नहीं है। उस दिन भी ये गया था, उस दिन ये वारदात हुई, उस दिन भी उस गुड़िया ये बोल रही मेरे पापा मेरे लिए केक लेने के लिए गया, उसको क्या पता था ये सब होगा। अच्छा जन्मदिन का गुड़िया है, उस दिन भी वो वेट कर रही थी मेरे पापा मेरे लिए केक लेके आएंगे। देखो जी बच्चे ने खुद रवा है कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ लेके आवेगा, लेकिन उन दरिंदे ने ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो साथियों आपने भी अपनी राय जरूर देनी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इस तरह घटनाएं आगे और ना घटें, और पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, अगर आज इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तड़कन और भी बड़ी घटना को अंजाम दे सके हैं। पुलिस का डर होना जरूरी है, चाहे कोई भी गलत काम करो, गलत काम करने से डरना चाहिए आदमी ने, डर लगा अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी कोई का तो इस तरह घटना फिर होती रहेगी। तो फिर ये आज तो ये घटना पहली है जी, फिर ये रोजमर्रा की जिंदगी में सुनी जाए करेगी जी, आज हमारे पे बीती है तो हर किसी के साथ बनेगी आगे, ये प्रशासन ने ऐसा करना चाहिए कि दुनिया ने ये सबक मिला कि ये घटना एक बार होगी दोबारा नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहो? हम यही कार्य सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने फांसी की सजा मिलनी चाहिए जल्दी से जल्दी, सारे आरोपी जितने भी हैं जी सारे पकड़े जाने चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी हो जी, किसी के पैसे की कोई दोष नहीं होनी चाहिए जी, सब पकड़े जाने चाहिए जी। देखो इनकी पत्नी है ये, आप क्या चाहो जी कि आपके पति न्याय मिलना चाहिए, क्या कार्रवाई चाहिए उनके ऊपर? मैं भी यही चाहूँ भाई, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसके भी हाथ कटनी चाहिए, जब भी उसे दर्द का पता लगेगा, फांसी भी होगी वो तो एक ही बार मर जाएगा, फांसी दे के भी उसके भी हाथ कटने चाहिए, टांग भी कटनी चाहिए, हाथ कटने का पता लगना चाहिए भाई, हाथ कट के जिंदगी किस तरह जी जावे, दूसरे के भरोसे देखना पड़ा है, कोई एक गिलास पानी का पियाओगा, कोई कद खुआवेगा, दूसरे के मोहताज कर दिए उन्होंने तो उसके भी हाथ पैर सब कटने चाहिए, फांसी में तो वो एक बार में मर जाएगा, वो क्या तड़पेगा जब उसे फांसी की सजा मिल जाएगी, सरकार को उसके भी हाथ काट देने चाहिए बस। तो परिवार के विचार सुने आपने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपकी राय जो कमेंट बॉक्स में देनी है। ओके दोस्तों, मिलना है नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।